क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 Mile NH 31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा, अटैच अंडरग्राउंड कमरे ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल, पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल, उत्सव आप मनाएं व्यवस्था हम करेंगे। तीसरे चुनाव के अंतिम चरण में सुल्तानगंज गोपालपुर इस्माइलपुर प्रखंड के 32 पंचायतों में शांतिपूर्ण हुआ मतदान संपन्न। भागलपुर में अंतिम चरण में आज सुल्तानगंज गोपालपुर और इस्माइलपुर की 32 पंचायतों में तीनों प्रखंडों के मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ अपने समय से मतदान कार्य प्रारंभ हो गया था। रविवार के तीनों प्रखंड के अंतिम चरण के मतदान में 3,618 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है जिसका भाग्य मतपेटी में बंद हो चुका है। सुल्तानगंज के 18 पंचायत के 249 मतदान केंद्र, गोपालपुर प्रखंड के 9 पंचायत के 122 मतदान केंद्र और इस्माइलपुर प्रखंड के 5 पंचायत के 70 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो गई थी जहां संध्या तक शांतिपूर्ण मतदान हुआ। कई युवा जो पहली बार मतदान दे रहे थे काफी खुश दिखे। लोगों का कहना था कि मतदान हम अपने गांव को विकासशील और समृद्ध बनाने के लिए कर रहे हैं और अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए हम वोट डालने आए हैं। चुनाव को लेकर 18 सेक्टर बनाए गए थे। सुल्तानगंज गोपालपुर इस्माइलपुर के सभी बूथ पर जाकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सीनियर एसपी निताशा गुड़िया और नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार, नवगछिया एसडीओ चंद्रपाल एवं अन्य पुलिस बलों के साथ खुद जायजा लेते दिखे। चुनाव चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और आप लोग देखेंगे काफी उत्साह भी है। सुबह में बहुत ज्यादा भीड़ थी, जैसे ही मतदान शुरू हुआ तो अंतिम चरण का मतदान है। भागलपुर जिले में 3 प्रखंडों में चल रहा है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और जो सिविल साइड के ऑफिसर्स हैं वो लगाए गए हैं। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से मतदान संपन्न कराएंगे और उसके बाद फिर सब और एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ स्ट्रांग रूम बना हुआ है, वहाँ बक्सा एवीएम सारी सामग्री जमा। सर दियारा क्षेत्र के लिए, सर दियारा क्षेत्र में कैसे हुआ? अभी पूरा दियारा क्षेत्र ही हम लोग घूमते हुए आ रहे हैं, यही हम लोग 3 घंटे से घूम रहे हैं। एसडीओ एसडीपीओ साहब, नवगछिया एसपी साहब, एडीएम साहब, सब लोग लगे हुए हैं। बहुत अच्छे से मतदान होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। कहीं ज्यादा मतदान करने आए हैं? हाँ। क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज सुबह सुबह आप मतदान करने आए हैं? हाँ। मतदान करना कितना जरूरी लगता है? ये तो अपना अपना अधिकार है ना, इसको तो जरूरी है, देना ही चाहिए। अभी जो घर में है उनसे क्या अपील कर रहे हैं? भाई अपना अपना मत आकर के डालिए। कौन सा विद्यालय है? ये है मध्य विद्यालय मस्जिद। अब तक में अब टाइमिंग कितना हुआ है? 9 बजे लगभग 44 मेल हुआ है, जी फीमेल हुआ है लगभग 33। टोटल परसेंट कितना हुआ सर? परसेंट नहीं ये कहिए ना कि 839 वोट है। देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए युवाओं ने निकाला कैंडल जुलूस। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान से स्टेशन चौक तक देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य सैन्य पदाधिकारियों के बलिदान को याद करते हुए तिरंगा यात्रा और कैंडल मार्च निकाला गया। छात्र संघर्ष मोर्चा के बैनर तले निकाले गए तिरंगा यात्रा में शामिल छात्र और स्थानीय लोग डीजे की धुन पर शहीद बिपिन रावत अमर रहे और भारत माता की जय का नारा लगाते दिखे। इस दौरान युवाओं का साफ कहना था कि देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का नेतृत्व क्षमता हम सभी युवाओं को काफी प्रभावित करती है। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकवादियों का सफाया किया गया। फिर जब चीनी सैनिक हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत कर रहा था तब हिंदुस्तान की सेना ने बिना हथियार के ही चीनी सैनिकों की गर्दन काट दी। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में छात्र और स्थानीय लोगों ने शिरकत की। साथ ही जो हेलीकॉप्टर जांच क्रैश हुआ था बिपिन रावत जिसमें शहीद हुए थे, देश के वीर जवान शहीद हुए हैं, उसी को हम लोग श्रद्धांजलि के लिए हम लोग तिरंगा यात्रा के साथ साथ हम लोग कैंडल मार्च करते हुए कचहरी चौक होते हुए फिर सैंडिस के चौक पे आके यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। ये मेरा नाम साकेत राज हुआ, छात्र संघर्ष मोर्चा ने भी पूरा समर्थन दिया है। संडिस कंपाउंड युवा क्लब से हमारी कार्यक्रम बिपिन रावत की श्रद्धांजलि के लिए हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से संडिस कंपाउंड युवा ग्रुप से रैली। क्या नाम? सोनू सिंह।
देश के प्रथम सीडीएस और अन्य सैन्य अधिकारियों को कांग्रेस इंटक ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। देश के बहादुर सेनापति जनरल बिपिन रावत सहित अन्य सैन्य अधिकारियों के लिए कांग्रेस इंटक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में इंटक के कार्यकर्ता, युवा एकता सामाजिक संगठन कार्यकर्ता, शहर के प्रसिद्ध नागरिक युवा साथियों तथा समाज के हर वर्ग के लोगों ने जयप्रकाश उद्यान में बहादुर सेनापति के लिए कैंडल जलाकर प्रार्थना कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर संतोष कुमार, सिकंदर चौधरी, नगर उपाध्यक्ष श्रीवास्तव पंकज चौधरी, डॉक्टर आरिफ आजाद, डॉक्टर विश्वजीत कुमार संतोष एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज मजदूर कांग्रेस इंटेक और युवा एकता सामाजिक संगठन के तत्वाधान में अलविदा हुए देश के सीडीएस प्रमुख बिपिन जनरल रावत जी के इस दुखद निधन पर उनकी पत्नी के साथ साथ तमाम जो सैनिकों शहीद हुए हैं उनको आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि देने का काम किया है। उत्सव काले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारें। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। गोपालपुर व इस्माइलपुर प्रखंड के 70 मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच गोपालपुर प्रखंड के 122 व इस्माइलपुर प्रखंड के 70 मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। हालांकि सुबह 10 बजे तक महिला मतदाताओं की लंबी कतार विभिन्न मतदान केंद्रों पर लगी रही। बुजुर्ग व बीमार मतदाता अपने परिजनों के साथ मतदान करने आए थे। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु सुरक्षा के साथ स्तरीय व्यवस्था की गई थी। जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, नवगछिया एसडीओ यतेंद्र कुमार पाल, एसडीपीओ दिलीप कुमार, डीसीएलआर परमानंद सा, वरीय उप समाहर्ता राजस्व राजेश झा राजा, भारी संख्या में पुलिस बलों के साथ विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा दोनों ही प्रखंडों में ले रहे थे। जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि गोपालपुर व इस्माइलपुर प्रखंड में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, कहीं से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि इस पर संख्या 9 पर स्थित चलंत मतदान केंद्र संख्या 122 पर फोन पर बोगस मतदान की सूचना दी गई। उन्होंने उक्त मतदान केंद्र पर बताया कि बोगस मतदान की सूचना गलत निकली, इसलिए थानाध्यक्ष गोपालपुर थाना प्रभारी को फोन पर गलत सूचना देने वाले को नोटिस भेजकर विधि सम्मत कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। कहाँ से आप आए हैं? हमको सैगो पंचायत का है, नेपाल से आए हैं वोट देने के लिए। नेपाल में कहाँ रहते हैं आप? नेपाल एरिया में जोगबनी साइड में रहते हैं। वहाँ से आए हैं वोट गिराने। कैसा लग रहा है इस बार? 4 ईवीएम और 2 बैलेट है, यानी 4 बटन दबाना है और 2 मोहर मारना है। ठीक है। वो कंफ्यूजन भी होगा वहाँ, अंदर में दिक्कत भी होगा। याद कर लिए हैं कौन कौन कैंडिडेट को देना है? जो मन में है दे देंगे। 2 दिवसीय एडवांस ताइक्वांडो फाइट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भागलपुर जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वावधान में 2 दिवसीय एडवांस ताइक्वांडो फाइट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हाईस्कूल नवगछिया में दिनांक 12 दिसंबर को आरंभ हुआ। शिविर ताइक्वांडो कोच घनश्याम प्रसाद की देखरेख में होगा। शिविर में उन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड या सिल्वर मेडल जीते हैं। शिविर से चयनित खिलाड़ी राज्य प्रतियोगिता में भाग लेने जाएंगे। नवगछिया सिलेंडर ब्लास्ट की प्राथमिकी दर्ज। सिलेंडर ब्लास्ट की प्राथमिकी नवगछिया के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लोकेश ठाकुर के बयान पर दर्ज की गई, जिसमें 4 को नामजद आरोपित बनाया गया है, जिसमें नोनिया पट्टी निवासी रामचंद्र साह, उसके भाई अरुण साह, मुसारी पट्टी निवासी अशोक महतो, व्याहू चौक निवासी अशोक साह को नामजद आरोपित बनाया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि रामचंद्र साह के घर गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर में आग लगी। आग लगने के पश्चात सिलेंडर ब्लास्ट होने लगा। ब्लास्ट सिलेंडर की जांच फोरेंसिक टीम के द्वारा की जाएगी। सभी जब्त गैस सिलेंडर्स को जिम्मेनामा के आधार पर देवी गैस एजेंसी को सौंप दिया गया है। नवगछिया बाजार में धड़ल्ले से व्यावसायिक ठिकाने पर घरेलू गैस का उपयोग किया जाता है। घरेलू गैस नवगछिया बाजार में रोड किनारे फास्ट फूड, अंडा बेचना, ठेले पर पका हुआ खाद्य सामग्री बेचने वाले करते हैं।
बाजार में कई होटल्स में भी घरेलू गैस का उपयोग किया जाता है। इस कारण नवगछिया बाजार में गैस की जमकर कालाबाजारी होती है। इन सब बातों पर कभी भी किसी पदाधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। गैस कालाबाजारी का बाजार नवगछिया कई वर्षों से फल फूल रहा है। नवगछिया बाजार में सभी को पता ब्लैक में कहां कहां सिलेंडर मिल सकता है। वही बताते चले कि अगर पदाधिकारी नियमित रूप से गैस संचालक के गैस गोदाम में गैस के स्टॉक व वितरण की नियमित जांच करे तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकती है, किंतु कभी पदाधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। पदाधिकारी गैस संचालक व कालाबाजारी की मिली भगत से यह धंधा बिना रोक टोक के वर्षों से होता आ रहा है। शहनवाज हुसैन के जन्मदिवस पर रोगियों के बीच फल का वितरण। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के जन्मदिवस के अवसर पर नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में रोगियों के बीच फल वितरित किए गए। कार्यक्रम का नेतृत्व तो भाजपा के नगर अध्यक्ष कौशल जायसवाल कर रहे थे। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार, जिला मंत्री मुकेश राणा, वाणिज्य प्रकोष्ठ के संयोजक मुरारी लाल चिरानिया, मुक्तिनाथ सिंह, नगर उपाध्यक्ष प्रेम जायसवाल, नगर मंत्री शंभू रजक, ओबीसी मोर्चा नगर अध्यक्ष अनूप कुमार, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष रेखा कुमारी, छोटे सिंह भदौरिया, सौरभ पोद्दार, राकेश ठाकुर, राजू शाह समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। नवगछिया में त्योहार के मौके पर सुंदरम स्वीट्स एक अनुपम प्रस्तुति। त्योहार पर सुंदरम स्वीट्स लेकर आया है आपके लिए शुद्ध घी से बने बालाजी लड्डू व कई प्रकार की स्पेशल मिठाइयां और नमकीन। अब त्योहारों पर करें एडवांस बुकिंग और पाएं समय पर डिलीवरी। तो आइए, आपका स्वागत है सुंदरम स्वीट, सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया पुलिस ने की ताबड़तोड़ छापेमारी, 160 गैस सिलेंडर बरामद। नवगछिया पुलिस ने छापेमारी कर 160 गैस सिलेंडर बरामद किए। इस संबंध में नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध रूप से भंडारण किए नौनिया पट्टी निवासी रामचंद्र साह के घर में गैस सिलेंडर का विस्फोट हुआ था, जिसमें पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी कर 160 सिलेंडर जब्त किए हैं। पुलिस आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। ऑर्केस्ट्रा वाहन और साइकिल के चक्कर में 4 व्यक्ति जख्मी। रविवार की सुबह प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के बीरबन्ना एनएच 31 चौक पर ऑर्केस्ट्रा वाहन और साइकिल की टक्कर में 4 व्यक्ति जख्मी हो गए। दुर्घटना में बीरबन्ना एनएच 31 पर कुछ देर के लिए आवागमन बाधित रहा। समाजसेवी और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आवागमन बहाल कर दिया गया। लगभग आधा घंटा जाम लगा हुआ था। बताया जाता है कि साक्षी ऑर्केस्ट्रा बेगूसराय से भागलपुर की तरफ जा रहा था, अचानक एक टेम्पो सामने आ गया। टेम्पो को बचाने में एक साइकिल सवार व्यक्ति ऑर्केस्ट्रा वाहन की चपेट में आ गया। साइकिल सवार व्यक्ति बलहा के अजमल खान का 10 वर्षीय पुत्र तनवीर है, जबकि ऑर्केस्ट्रा वाहन पर सवार बेगूसराय का सुरेंद्र मनीष गोरे भी जख्मी हुए। इन सभी जख्मी का प्राथमिक उपचार भवानीपुर पुलिस ने कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए तनवीर को भागलपुर रेफर कर दिया गया। नवगछिया में चला पुलिस प्रशासन का डंडा। वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संबंध में नवगछिया एसपी सुधांशु कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि बीरपुर थाने के बभन गांवा निवासी श्याम संगेही को गिरफ्तार किया। आरोपित के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज है। शराब के नशे में आरोपित को गिरफ्तार किया। इस संबंध में नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब के नशे में बभन गांवा बाजार से आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित रामनगर सोनवर्षा निवासी रंजीत चौधरी है। आरोपित को बीहपुर पीएचसी में मेडिकल जांच की गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं पुलिस ने शराब मामले में आरोपित बीहपुर थाने के बभन गामा निवासी सौदागर सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपित के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत बीहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ढोलबज्जा थाने की पुलिस ने लोडेड पिस्तौल व शराब की बोतल के साथ 2 आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित पूर्णिया जिले के रूपौली थाने के बलिया निवासी नीरज कुमार, पूर्णिया जिले के शहर भवानीपुर थाना निवासी मधवापुर निवासी श्रीकांत कुमार हैं। पुलिस ने आरोपित के पास से देसी पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने आरोपित के पास शराब की 3 बोतलें भी बरामद की। इस संबंध में ढोलबज्जा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने दोनों आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में मेन रोड नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल मोजा पर्स रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल मोजा पर्स रुमाल बैग बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913,
खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में मेन रोड नवगछिया।